हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज फिर से रिकी है हमारे साथ। तो दोस्तों आज आप सबके रिक्वेस्ट पे आप सब ने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई फिर से एक अच्छा सा मैथ मैजिक लेके आओ। तो दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन एक ऑसम मैथ मैजिक जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी। तो दोस्तों इस मैथ मैजिक के इफेक्ट है बहुत ही बढ़िया, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ये मैजिक। तो चलिए लेट ना करके स्टार्ट कर देते आज का ये मैजिक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये ऑसम मैथ मैजिक। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इधर कुछ ड्रॉ किया है। दोस्तों ये एक डायग्राम है, इसमें 16 बॉक्स है। तो अब आज होगा इस मैथ मैजिक और इस मैथ मैजिक के इस डायग्राम से करेंगे मैजिक। तो मैजिक शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा रिकी को, रिकी तुम 22 से 99 तक कोई भी, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, 22 से 99 तक कोई भी एक नंबर मुझे बताओ जो तुम्हारे दिल में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, कुछ ऐसा सोचिए बताओ। 37। तो चलो तुमने बोला 37, तो आज मैं इस 37 नंबर से करूंगा मैजिक। दोस्तों गौर से देखिए, रिकी ने बोला है 37 दिल से और मेरे पास है ये डायग्राम। तो इस डायग्राम और इस 37 से करेंगे एक मजेदार चीज। तो शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं इसको फिल करने वाला हूँ, फिलअप करने वाला हूँ, तो चटपट मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने झटपट, मतलब मैंने कुछ ही सेकंड लिया है इस डायग्राम को फिलअप करने में। तो अब इस डायग्राम का क्या मजेदार बात है और इसके साथ 37 नंबर का क्या रिश्ता है, तो अभी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों रिकी ने एकदम मन से बोला था 37, तो मैंने डायग्राम को फिल किया। तो अब आप लोग ये मजेदार चीज देखिए कि आप जहां से भी इसको काउंट करो, जैसे इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से, ऐसे भी, या फिर एक साइड वाइज, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ऐसे भी, जहां भी आप लोग काउंट करो 37 ही आएगा। तो चलो एग्जांपल देते हैं, 17 और 1 18, 18 और 20 30, 30 और 7 37। तो अब इस तरफ से काउंट करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 19 28 और उसके साथ 9 37। तो अब ऐसे सब हो जाएगा 37, ऐसे सब हो जाएगा 37। और भी एक मजेदार बात है, अगर हम लोग ऐसे इस लाइन को गिनेंगे, इस लाइन को, तब भी आएगा 37, और अगर हम लोग ऐसे गिनेंगे तब भी आएगा 37। और भी मजेदार बात है, इसमें जो ये चार चार बॉक्स है, इस चार बॉक्स को भी गिनेंगे तब भी आएगा 37, इस चार बॉक्स को गिनेंगे तब भी आएगा 37, और इस बॉक्स को गिनेंगे तब भी आएगा 37, और इसको भी। तो और भी एक कॉम्बिनेशन है, वो है अगर हम लोग ये दो बॉक्स और ये दो बॉक्स को गिनेंगे तब भी आएगा 37। मतलब दोस्तों एक मजेदार चीज हो गया है, 37 नंबर से आप कोई भी नंबर बोल सकते थे, देखिए कोई भी नंबर बोल सकता था 22 से 99 तक। तो जो नंबर बोलता मैं उससे ही ये डायग्राम फिल कर देता था। और आज आप लोग ये वीडियो सीख के आप भी ये मैजिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैजिक है बहुत ही मजेदार, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चलिए देर ना करके शुरू करते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर। तो दोस्तों कैसे आप लोग ये ऑसम चीज कर सकते हो, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका रूल है बहुत ही सिंपल, तो 3 स्टेप है इस मैजिक का, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसमें कोई भी एक नंबर 22 से 99 तक ऑडियंस बोलता है और उसी नंबर से होता है मैजिक। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 25, ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा नंबर लिया 25, तो उसको लिख देते हैं 25 इधर, इस नंबर से ही होगा पूरा मैजिक। अब स्टेप नंबर वन ये है कि आपको इधर कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, वो एकदम हर बारी एकदम ठीक ही होता है, वो होगा कुछ नंबर जो ऐड करने पर 9 आते हैं। तो मैं जैसा लिखूंगा वैसे 5 और 4 9, 1 और 8 9, 3 6 9
और 7 और 2 9। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इस ऐसे ये नंबर लिख दिया है, ये आपको इधर ही लिखना पड़ेगा, ये एकदम हर बार ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। अब आपको लिखना पड़ेगा और चार नंबर, इस कोने से लिखना पड़ेगा इधर 9 10 11 और 12। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा, मतलब आप जितनी बार ये दिखाएंगे आपका ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा ही रहेगा। अब जब आते हैं लास्ट स्टेप, वो है स्टेप नंबर 3। अब इधर हम लोगों का इस नंबर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 से 20 माइनस कर देंगे, हर बार 20 को ही माइनस करना पड़ेगा और आंसर जो आएगा वो होगा 5। तो दोस्तों अब इस 5 को लेके हम लोग कुछ करेंगे। दोस्तों पहले ये जगह है, इधर हम लोग लिखेंगे ये नंबर को 5, ठीक है। अब पूरे चले जाएंगे एकदम नीच में, इधर हम लोग लिखेंगे उसके साथ ऐड करके 1 6, उसके साथ उसको भी 1 बढ़ा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 7 और इस जगह पे इधर 5 से 1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो नंबर एक्चुअल में आता है उससे 1 माइनस करके लिखना पड़ेगा जो कि अब है 4। तो दोस्तों ऐसे लिखने पर ये कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 7 और 2 9, 9 18, 18 और 7 25। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इधर जैसे भी आप लोग मैंने बताया था, आप लोग काउंट करेंगे तो हर जगह 25 ही आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो सीखने में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छे मैजिक के साथ, तब तक अपना प्यार बनाए रहिए।